श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वरुणा अर्थ संघाना रसाना छंद सामपि मंगलाना चक्रतारो वंदे वाणी विना नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनां मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो तुलसी के चरण जिनकी जग काज कल समुद्र बूढ़ तिलख्यो प्रगट्यो सत्य जहां। राम कथा के रसिक भरे भक्ति रास मति धीर। आए श्वास में लीजिए तेज पुंज कपिवीर। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। परम पुराण मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन कलित कोमल चरण भवे हरण भक्त वत्सल रघुकुल भूषण कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार अकारण करुणा करुणालय राज राजेश्वरी भगवती जगदम्बा आदिशक्ति उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वशेष करीम सीताम नतोहम राम वल्लभ। सारे जगत का सृजन करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली श्री राम जी के वाम भाग में विराजमान आदिशक्ति माता श्री जानकी जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ जिनके पावन सानिध्य में हम आप सभी लोग बैठ करके कई वर्षों से यज्ञ का, भजनों का, कथा का आनंद लेते रहते हैं। हर वर्ष उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय सूक्ष्म गुरु श्री दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अभी आप जन के माध्यम से बड़ी ही सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे थे। ऐसे आप ही लोगों के बीच की बेटी रमा किशोरी जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर प्रसंगों को आपके समक्ष प्रकट करके हम आपको यह दिशा धारा प्राप्त हुई कि कैसे जीवन जीना चाहिए, जीवन का लाभ क्या है, इसे हम भागवत के माध्यम से सब सुन रहे थे। इस यज्ञ में आए हुए समस्त आचार्यगण, विप्रजन, संतजन, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से भगवान के सानिध्य में बैठे हुए समस्त श्रोतावृंद, शक्ति स्वरूपा समस्त माताएं बहनें, मंच पर विराजमान समस्त संगीतकार, हमारे सिया रामायणी जी, जिनके माध्यम से आप सभी लोग सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, कथा का आज तृतीय दिवस है। हम आप सभी लोग इस कथा गंगा में अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम आप यह सोचें कि जब हम फुर्सत होंगे तब तो भगवान की कथा सुनेंगे। अभी तो बड़ी व्यस्तता है। आप लोगों की संख्या देख करके मुझे यही आभास हो रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी व्यस्तता है। सब सोच रहे हैं कि जब फुर्सत हो जाएंगे तब हम कथा सुनने जाएंगे, एक काम कर लें, वो काम कर लें, ये निपटा लें, वो निपटा लें, इसके बाद कथा सुनने के लिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यह व्यस्तता हमारी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कार्य जो है ये क्या है? ये सब ग्रह कार्य हमारे जो है बड़े बड़े पहाड़ की तरह हैं। एक हम काम निपटाते हैं, दूसरा काम तैयार हो जाता है। तैयार हुए कि हम कथा में जाएंगे, भागवत सुनेंगे, हनुमंत कथा सुनेंगे, लेकिन अचानक ऐसा काम आ गया कि हम कथा में न आकर के व्यथा में पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी व्यस्त जीवन में भी हम आपको भगवान से जुड़ना है, भगवान की कथा सुननी है। कभी हम आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। काम करो संसार का हर्षे राखो टेक। भगवान से टेक यानी भगवान का स्मरण होना चाहिए। काम करते रहे, काम को छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके सत्संग के लिए भी जाना है, कथा भी सुनना है। क्योंकि जीवन का सार क्या है? हम इस संसार में जब आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ एक दिन हम आपको यहाँ से जाना है। और हम जब परमपिता परमात्मा के पास में जाएंगे तो भगवान हमसे पूछेंगे आपने क्या किया है। भजन किया, क्योंकि मानो तन जो मिला है ये विषय वासनाओं में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है। केवल परिवार और घर के कार्य करने के लिए नहीं मिला है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक संवारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। मानव तन प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, तो पुनः 84 लाख योनि में हम आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय और मृत्यु के समय में बहुत कष्ट होता है। जितना कष्ट एक जन्म देने वाली माता को होता है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। जितना माँ को कष्ट होता है, उससे कहीं अधिक जन्म लेने वाले शिशु को कष्ट होता है। और जब प्राण निकलते हैं तब उस समय भी यूं ही प्राण नहीं निकल जाते हैं, बहुत सारी पीड़ा को सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के प्राण निकलते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए इस कष्ट से बचना है, इस पीड़ा से बचना है, तो हमें भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा है। हमें परमात्मा का ध्यान करना है, भजन करना है, उनकी कथा को सुनना है, उनकी शरणागति को स्वीकार करना है। घर का काम करें, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे तो भगवान को दे दें। 23 घंटे में आप अपना काम निपटाइए, 1 घंटा तो परमात्मा को दीजिए। लेकिन उतना भी हमारे पास में समय नहीं रहता है। स्नान करके आते हैं, जल्दी जल्दी से दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, 2-4 मंत्र बोलेंगे, नहीं तो सीताराम राधे श्याम बोलेंगे और तुरंत काम में लग जाते हैं। अरे पूजा करने का समय ही कहाँ है, पाठ करने का समय ही कहाँ है, बाद में कर लेंगे, अभी क्या करना, भी तो बड़ा लंबा समय है। कुछ लोग तो ये भी कहा करते हैं कि अभी से क्यों राम राम जपें, अभी से क्यों श्याम श्याम जपें, जब बुढ़ापा आएगा तब जपेंगे। तो किसी ने कहा, तो क्या जरूरी है कि बुढ़ापा आएगा ही, शायद बीच में ही राम नाम सत्य हो गया तो फिर एक कलयुग है, कोई निश्चित नहीं है कि हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा, बीच में भी जा सकते हैं। इसलिए वृद्धावस्था का इंतजार नहीं करना है। गृह कार्यों को जल्दी से निपटा करके और कुछ छोड़ करके ये जो सत्संग चल रहा है, इसमें हम आपको गोते लगाना है, क्योंकि भगवान की कथा हम आपको जो सुनने को मिल रही है ये बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो अमर ग्रंथ है, अमर कथा है, यूं ही नहीं मिलती है सुनने को। जब संतों की बड़ी कृपा होती है, भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब ऐसे शास्त्रों की पुराणों की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारे आपके बीच में केवल 4 दिन और बचे हैं, ये 3रा दिन भी समाप्त हो चुका है। तो इन 4 दिनों में अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान की कथा का रसपान करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनाएं, क्योंकि यही जीवन का सार है। तो हम थोड़ा सा हनुमंत कथा पर प्रवेश करेंगे। इसके पहले प्रभु के मंगल में नाम का संकीर्तन सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे, करतल ध्वनि के साथ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरकारी की जय हो। प्रिय सज्जनों, अभी आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। अब हम आप सभी लोग श्री रामचरित मानस में प्रवेश करेंगे। भागवत की जो कथा है वह हमें क्या सिखाती है और जो रामचरित मानस की कथा है वह क्या सिखाती है। जब विद्वानों से पूछा गया तो उन्होंने बताया जीवन कैसे जीना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना है, सास का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, बेटा को कैसा होना चाहिए, बेटी को कैसा होना चाहिए, माता पिता कैसे हो, परिवार कैसा हो, समाज कैसा हो, पड़ोसी कैसा हो, ये सब अगर हम आपको जानना है तो इसके लिए हमें श्री रामचरित मानस पढ़ना पड़ेगा। जीवन कैसे जीना चाहिए यह श्री रामचरित मानस से सीखना है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस लीला से, उनके चरित्र से सीखना है कि हमारा जीवन कैसे अच्छा बने और मृत्यु कैसे हो, हमारी मृत्यु कैसे हो। अगर यह सीखना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना पड़ेगा। महाराज परीक्षित जी ने यही श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा था कि जल्दी मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए, और उन्होंने फिर वही सुंदर कथा का रसपान कराया और कहा कि कभी कोई जीव नहीं मरता है। ध्यान रखिए, जीव नष्ट नहीं होता है। ये हमारा जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है ये नष्ट होता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो वही है। हम अज्ञानवश कहते हैं कि मैं कौन हूं। आप जरा ध्यान रखिए, जब हमारे शरीर में कहीं पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो क्या कहते हैं, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। तो मेरे सिर में दर्द है तो वो मेरे कौन है? वो जो कहते मेरे सिर में दर्द है तो सिर तो अलग हो गया, लेकिन ये मेरे कौन है? मैं थक गया हूं चलते चलते, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं तो दर्द तो पैरों में है, फिर ये मैं कौन है? ये हमारी आत्मा है, आत्मा के हाथ है, पैर है, शरीर बना हुआ। आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए ये 5 तत्व का एक भवन बना है, एक मकान बना है, जिससे हम आप लोग ये संसार के कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिए, आत्मा कभी नहीं मरती है, ये शरीर नष्ट होता है और ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर समाप्त होता है, आत्मा तो वही है। तो यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आपको बताई जाती है। बार बार सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को यही कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर नष्ट होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा दिव्य है और हम देखें रामचरितमानस में कैसे जीवन जीना चाहिए। अगर हम हनुमंत कथा पर प्रवेश करें तो श्री हनुमान जी महाराज जो वैरागी के स्वरूप हैं, जो विश्वास के स्वरूप हैं, वो हनुमान जी महाराज कोई साधारण भक्त नहीं है, साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी धरा पर आए तो उसके पहले समस्त देवताओं ने अवतार धारण किया। भगवान की लीला में हमें भी सम्मिलित होना है, इसलिए जितने देवी देवता हैं सब कोई ना कोई रूप बना करके धरती पर भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जावंत जी के रूप में आ गए, भगवान शंकर जी हनुमान के रूप में आ गए, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वह बाली के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, जो सूर्य भगवान हैं वो सुग्रीव के रूप में आ जाते हैं। तो जितने देवता हैं इस सब भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए बंदर भालू मनुष्य बनकर के इस धरा पर प्रकट हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अवतार हैं और भगवान शंकर के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं, देवी पार्वती जी श्रद्धा के स्वरूप हैं। और हमारे अंतःकरण में जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक हमें भगवान की कथा, भगवान की भक्ति समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले विश्वास का आना अति आवश्यक है। जब विश्वास आएगा तब ना भगवान का भजन करेंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। भगवान की भक्ति तब होती है जब विश्वास होता है। जब हमारे अंतःकरण का संदेह समाप्त हो जाएगा तब हमारे जीवन में विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा तब भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तब परमात्मा की कृपा होगी, और जब परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी तब हमें विश्राम की प्राप्ति होगी, हमें सुख की प्राप्ति होगी, हमें आनंद मिलेगा, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। भगवान की कृपा के बिना हमें सुख नहीं मिलता है। सुख मिले तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। श्री रामचरित मानस की सुंदर जो कथा है हम आपको जीवन जीने की कला बता रही है। संत महात्मा गाया करते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कैसे संत गाते हैं, आप सब लोग भी जरा मेरे साथ गाएंगे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। श्री रामचरित मानस के प्रत्येक प्रसंग हम आपको जीवन जीने की शैली बताते हैं। भगवान श्री राम जी का प्रकट हुआ, उनके भक्त गण भी उनके साथ प्रकट हुए और फिर भगवान का विवाह, वनवास इत्यादि लीलाएं से आप परिचित हैं। माता पिता की आज्ञा से प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वन में रहने के लिए जब जाते हैं, पंचवटी में कुटी बनाकर के रहने लगे। वहीं पर सीता जी का हरण हो गया और जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी जानकी जी को खोजते खोजते बन बन भटकने लगे, कहीं सीता जी का पता नहीं चल रहा। माता सबरी के आश्रम में पहुंचे, माता सबरी जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, पंपा सरह जाहु रघुराई तहा हुई है सुग्रीव मिताई। आप पंपा सर की यात्रा करिए, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और वो ही आपको सीता जी का पता बताएंगे। भगवान श्री राम जी यह लीला करते करते किष्किंधा की ओर जब प्रस्थान करते हैं, देखिए श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का मिलन भगवान से कहाँ हुआ, तो हम आपको किष्किंधा कांड में प्रवेश करना पड़ेगा। श्री हनुमान जी साधारण भक्त नहीं है, हनुमान के समान कोई भी नहीं है। बड़भागी बहुत है लेकिन हनुमान के समान बड़भागी कोई नहीं है। हनुमान जी कैसे मिले, जो भगवान शंकर के अवतार हैं। सुग्रीव जी और हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान हैं। श्री राम जी जानकी जी का अन्वेषण करते हुए उसी ओर आ रहे थे। उसी समय गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत निराया तहा रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। सुग्रीव जी ने जैसे श्री राम लक्ष्मण को देखा तो उन्हें लगा कि कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है, ये मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, ये मेरे शत्रु तो नहीं है इत्यादि। सुग्रीव जी के मन में तर्क वितर्क शुरू हुआ। सुग्रीव जी बहुत डर गए और डर करके श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखने लगे। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज की ओर देख करके सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु हे हनुमंते, आप जरा मेरी ओर देखिए और जहां मैं देख रहा हूं उस ओर भी आप देखिए। हनुमान जी ने कहा, क्या बात है सुग्रीव जी महाराज, आप इतने भयभीत क्यों हैं? उन्होंने कहा कि आप जरा मेरी इस ओर देखिए जिस ओर से ये 2 पुरुष आ रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण को देख करके हनुमान जी महाराज तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन सुग्रीव जी डर गए और सुग्रीव जी ने कहा, धरि पट रूप देखते जाई कह सु जाए जी सेन बुझाई। आप ब्राह्मण का वेश बना करके जाइए और पता लगाइए कि ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, इनका क्या परिचय है। क्यों? इसलिए कि मुझे डर लग रहा है कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है, बाली यहां पर आ नहीं सकता है क्योंकि उसको श्राप है, तो वह अपने किसी मित्र को मेरा वध करने के लिए, मुझे मारने के लिए भेज सकता है, क्योंकि वह राजा है और राजा बड़ा जो है कूटनीति के साथ अपना काम संवारता है। तो आप जाकर के पता लगाओ कि ये कौन है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं पता लगा लूंगा, परंतु आप इतना ना डरें, आप इतना चिंतित ना हो। ध्यान रखिएगा, हम आपके जीवन की भी यह बात है, केवल सुग्रीव के जीवन की बात नहीं है। और भी थोड़ा गहराई से विचार करें तो हम आपके जीवन की भी यही बात है। हमें महापुरुषों को देख करके, भगवान को देख करके भी संदेह कर बैठते हैं, कहीं ये कोई बनावटी तो नहीं है, कहीं ये कोई बहुरूपिया तो नहीं है, कहीं ये कोई ठग तो नहीं है। हम आपको भी संदेह होता है और इसी संदेह के कारण हम जो है सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि संदेह जो है वह हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं होने देता है। हमारी दृष्टि में पल पर संदेह होता है, लगता है कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है, ये हमारा दुश्मन तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें अपनी दृष्टि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब भी कभी संदेह हमें हो तो विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, हमें संत महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। सुग्रीव जी श्री राम लक्ष्मण को देख करके भागने की सोचते हैं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ये मेरे शत्रु आ रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, ये बाली के भेजे हुए हैं। लेकिन इतने पर सुग्रीव जी थोड़ा सा गहराई से विचार करके मन में सोचने लगे, मेरी दृष्टि में संदेह है, मुझे धोखा हो सकता है, लेकिन संत को कभी धोखा नहीं हो सकता है। और उन्होंने तुरंत हनुमान जी महाराज की ओर देखा। हमारी दृष्टि धोखा खा सकती है, लेकिन संत की दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती है। जब भी हमें कहीं संदेह हो तो हमें गुरुजनों की, संतों की शरण जरूर लेनी चाहिए। जो मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, क्या ये सत्य है या गलत है। आज अगर सुग्रीव जी अपनी दृष्टि को ही प्रमाण मान लेते, अपनी दृष्टि पर विश्वास कर लेते, तो आज परमात्मा से बहुत दूर चले जाते। हनुमान जी महाराज ने पूछा भी था कि अगर बाली के भेजे हुए होंगे तो आप क्या करेंगे। सुग्रीव जी ने कहा हमारे पास तो बस एक ही कला है, क्या पठे बाल हो ही मन मैला, अब भागो तुरंत तजो यह सैला। मैं तो बस यहां से भाग जाऊं। सुग्रीव जी भागने में बड़े निपुण हैं, और केवल सुग्रीव जी ही भागने में निपुण नहीं है, हम आप भी हैं। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम भी भागने लगते हैं कि इस समस्या का कौन सामना करे, यहां से धीरे से निकल चले। लेकिन भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उसका सामना करना चाहिए, उस समस्या से लड़ना चाहिए, तब जो है उसका समाधान होगा, भागने से नहीं हो सकता है। हम दोपहर के समय आंख बंद करके बैठ जाएं और कह दे कि सूर्य अस्त हो गया है, तो क्या ये सत्य है। हमारे आंख बंद करने से सूर्य अस्त नहीं हो सकता है, हमारी आंख बंद करने से रात्रि नहीं आ सकती है। रात्रि तो तभी आएगी जब उसका समय होगा। तो समस्याओं से मुंह नहीं फेरना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। लेकिन सुग्रीव जी के जीवन में हम आप जब देखते हैं तो उनके जीवन में हर जगह भागने भागने का प्रसंग है, कई जगह से भागे हैं। सबसे पहले तो गुफा के द्वार से भागे, जब मायावी राक्षस बाली को गुफा के अंदर ले गया और बाली ने कहा कि तुम्हें सुग्रीव यहीं पर खड़े रहो, मैं 15 दिन के अंदर ही इस मायावी राक्षस को मार करके आ जाऊंगा। तो सुग्रीव जी वहीं पर इंतजार करते रहे। 15 दिन की तो बात ही छोड़ो, एक महीने तक सुग्रीव जी वहां पर रहे और जब बाली नहीं निकला, उस गुफा के द्वार से एक विशाल रक्त की धारा को बहते हुए देखा। सुग्रीव जी को लगा कि बाली मारा गया, तो सुग्रीव जी उसमें पत्थर लगा करके वहां से भाग गए। तो सबसे पहले गुफा के द्वार से भागे। दूसरी बार जब बाली वहां से आ गया मायावी को मार करके, और यहाँ देखता है कि सुग्रीव मेरे राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो बाली बड़ा क्रोधित हुआ और लगा सुग्रीव को मारने। इतनी पिटाई की कि सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि सुग्रीव जी की पत्नी को भी बाली ने ले लिया और मार करके वहां से भगाया। तो सुग्रीव जी फिर वहां से भाग ही गए, लौट करके नहीं आए, वहां से भागे। रिपुसम मुहि मारिस अति भारी, हर लीले सर्वस्व अरुनारी, ताकि भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरो बिहाला। ये दूसरी बार भागे, तीसरी बार यहाँ भागने की सोच रहे हैं, और चौथी बार तब भागते हैं जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। तो मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल होए भागा। तो सुग्रीव के जीवन में जब जब समस्या आई है, जब जब संकट आया है, तो वह वहां से भाग जाते हैं, उसका सामना नहीं करते। आज भगवान ने विचार किया अगर सुग्रीव मुझे देख करके भाग जाएंगे तब तो फिर इनका जीवन व्यर्थ है। हनुमान ने भी विचार किया, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज का काम क्या है? श्री हनुमान जी महाराज का काम है भक्त के अंतःकरण के संदेह को मिटा करके उसके हृदय में विश्वास स्थापित करना, ये हनुमान जी का काम है। क्योंकि हनुमान जी विश्वास के अवतार हैं। तो आज श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के संदेह को मिटा करके और उनके हृदय में भी प्रभु श्री राम के प्रति विश्वास स्थापित करना चाहते हैं, और उन्होंने किया भी। ऐसा नहीं कि श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं किया है। सुग्रीव जी के संदेह को हनुमान जी ने दूर किया, उन्हें विश्वास दिलाया कि ये परब्रह्म परमात्मा है, इनकी शरण में चलो तभी हमारा कल्याण है। आगे चल करके अंगद जी के संदेह को भी श्री हनुमान जी महाराज ने दूर किया, और आगे सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे तो विभीषण जी के संदेह को भी श्री हनुमान जी महाराज ने दूर किया। और थोड़ा सा आगे चले तो आदिशक्ति माता श्री जानकी जी के संदेह को भी हनुमान जी ने दूर किया है, और उत्तर कांड में चलेंगे तो भरत जी के संदेह को भी दूर करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। ये प्रसंग आपको श्रवण करने को मिलेगा, कैसे कैसे श्री हनुमान जी महाराज ने सबके जीवन का संदेह मिटा करके उनके अंतःकरण में विश्वास को स्थापित किया। क्योंकि बिना विश्वास के भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, और भक्ति के बिना भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज का काम है जितने भी भक्त यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दुखी हैं, दीन हैं, संदेह को लेकर के घूम रहे हैं, वो सबको ला करके भगवान की शरण में पहुंचा देते हैं। और हनुमान जी महाराज का जो प्रभाव है केवल त्रेता युग में नहीं है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप है। आज भी वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर बैठ करके भगवान की सुंदर कथा का रसपान करते हैं। तो सुग्रीव जी का जीवन जो धन्य हुआ है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा से। अगर आज हनुमान न होते तो सुग्रीव परमात्मा से बहुत दूर चले जाते, ये भाग जाते। ये भागने में बड़े निपुण हैं, भगवान से बहुत दूर चले जाते, फिर इनका उद्धार कैसे होता। लेकिन सुग्रीव में भी एक विशेष, भले कोई विशेषताएं ना हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है कि उन्होंने अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी दृष्टि धोखा खा सकती है, लेकिन संत की दृष्टि कभी धोखा नहीं खा सकती। तो हनुमान जी महाराज की ओर देख करके कहा कि आप पता लगाओ ये कौन है। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरपट रूप देखते जाई, कह सो जाए जी से न बुझाई। आप यहाँ से जाइए और जाकर के पता लगाइए कौन है। हनुमान जी महाराज ने कहा आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप भागिएगा नहीं, मैं अभी जाकर के पता लगाता हूँ। और जैसे जाने लगे तो सुग्रीव जी ने हनुमान का हाथ पकड़ लिया, आप जा तो रहे हो लेकिन वहीं से संकेत कर देना ये हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं। हनुमान जी ने कहा आप घबराइए नहीं, मैं आकर के बताऊंगा। बोले नहीं यहाँ मत आना, वहीं से बता देना। बोले क्यों? इसलिए कि जब तक आप यहाँ आएंगे मुझे बताने के लिए, तब तक वो दोनों पुरुष यहाँ पर आ जाएंगे और आप तो पवन के पुत्र हैं, पवन के वेग से भाग जाएंगे और वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए वहीं से संकेत कर देना एक कौन है। पठे बाली हो ही मन, और जब आप संकेत करेंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं भी बच जाऊंगा, आप तो बच ही जाएंगे क्योंकि आप पवन के पुत्र हैं, पवन के वेग से भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से सुग्रीव जी महाराज के कहने पर श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के समीप में जब जाने लगे तो कैसे जाते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विप्र रूप धरि, ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमान जी महाराज के, और जैसे प्रभु श्री राम के सामने खड़े हुए तो राम जी को देख करके हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके श्री राम को प्रणाम करते हैं। माथ नाय पूछत अस भयो, और जैसे हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया तो भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके हनुमान जी समझ गए कि इस हंसी में थोड़ा सा व्यंग भरा हुआ है, मैं इन्हें प्रणाम कर रहा हूँ, इनके चरणों में अपना माथा झुका रहा हूँ और ये मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ये तो हंस रहे हैं। बात सत्य है, हम किसी को प्रणाम करें, किसी के पैर छुएं और कोई हमें आशीर्वाद ना दे, हमसे बात ना करे बल्कि हंसने लगे, तो वहां तो थोड़ा सा लगेगा कि इनका बड़ा विचित्र व्यवहार है। और यही यहाँ श्री राम जी और हनुमान जी के बीच में दिखाई पड़ता है। हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और राम जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने भगवान से एक दिन पूछ दिया कि प्रभु आप जरा मुझे ये बताइए कि जब मैं पहली बार आपसे मिला था और जब मैंने आपको प्रणाम किया था तो आप मुस्कुरा क्यों रहे थे, मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे थे, और आपकी हंसी में थोड़ा व्यंग भी भरा हुआ था। भगवान ने कहा हनुमान मुझे हंसी इस बात से आ गई थी कि तुम मुझे प्रणाम कर रहे थे, तो प्रणाम में फिर हंसने का कौन सा, इसमें हंसने की तो कोई बात ही नहीं है। हनुमान जी महाराज ने कहा तो हंसने का तो कोई प्रसंग ही नहीं था। भगवान श्री राम जी ने कहा हनुमान मुझे हंसी इस बात से आई कि मैं छत्री के वेश में था क्योंकि मैंने धनुष बाण धारण किया है, और तुम जो थे ब्राह्मण के वेश में थे, जब तुमने आकर के मुझे प्रणाम किया तो मैं समझ गया कि ये असली ब्राह्मण नहीं है, ये कोई बनावटी ब्राह्मण आ गया है, ये जो मुझे प्रणाम कर रहा है। और हनुमान जी महाराज ने भगवान को कहा भी था को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप पिरहु बन वीरा, आप कौन है जो छत्री के वेश में घूम रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि जब तुमने मुझे प्रणाम किया तो मैं समझ गया कि ये असली ब्राह्मण नहीं है, ये कोई नकली है, इसलिए मुझे प्रणाम कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप असली छत्री हैं, क्या आप सचमुच में छत्री हैं? मुझे भी तो ऐसा लग रहा था प्रभु कि आप भी छत्री नहीं हैं, आपने छत्री का रूप बनाया है, आप भी नकली हैं। और महाराज आप जरा मुझे ब्राह्मण की परिभाषा बताइए कि ब्राह्मण किसे कहते हैं? हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। और जब मैंने आपको प्रणाम किया था तो क्षत्रिय मान करके प्रणाम नहीं किया था, मैंने आपको ब्रह्म समझ करके प्रणाम किया था। मैंने आपको पहचान लिया था कि ये क्षत्रिय नहीं है, इस रूप में साक्षात ब्रह्म है। हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा भी था कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी अवन हेतु बन बिच रहु स्वामी। कठिन भूमि कोमल पद गामी अवन हेतु बन बिच रहु स्वामी। कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन बिच रहु स्वामी। कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन बिच रहु स्वामी। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। की तुम तीन देव महा को नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतारा। यहाँ ब्रह्म की पूरी व्याख्या श्री हनुमान जी महाराज ने कर दी। आप तीन देवताओं में से कोई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर नर नारायण में से कोई है? भगवान ने कहा नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म को बताया, फिर आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप वह ब्रह्म हैं जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, आप वह परमात्मा हैं। उस परमात्मा का लक्षण क्या है? हनुमान जी महाराज इस दोहे में तीन लक्षण बताते हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य अवतार। साक्षात ब्रह्म ही मेरे सामने प्रकट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम जी को, श्री राम जी अपना ब्रह्मत्व दिखाने के लिए धरा पर नहीं आए हैं। प्रभु श्री राम जी तो मानव लीला करने आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु आए हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं आए हैं। भगवान गुप्त रूप में आए हैं। लोग मुझे भगवान ना कहें, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहें, ये भगवान चाहते हैं। लेकिन कहीं कहीं भगवान की ऐसी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं कि वह ब्रह्मत्व सामने आ ही जाता है। कितना भी छुपाए प्रभु, कितने भी माधुर लीला करें, लेकिन कहीं न कहीं भगवान का ब्रह्मत्व दिखाई पड़ ही जाता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आप जग कारण हैं, अखिल भुवन पति हैं, भंजन धरणी भार हैं। भगवान ने इन तीनों लक्षणों को काट दिया। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं जग कारण नहीं हूँ। कोस लेश दशरथ के जाए, मैं दशरथ का पुत्र होने के कारण आया हूँ। आप अखिल भुवन पति हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम पितु वचन मान बने आए। अरे हमारे पिताजी ने हमें अयोध्या का राजा नहीं बनाया है, हमारे पिताजी ने हमें जंगल भेज दिया है। जो अयोध्या का राजा नहीं बन पाया है, वह सारे ब्रह्मांड का राजा कैसे बन सकता है? मैं भुवनपति नहीं हूँ, फिर भंजन धरणी भार है। बोले नहीं, धरती की बेटी थी, सीता जी धरती की बेटी हैं, धरती की बेटी थी, उनके साथ मेरा विवाह हुआ, राक्षस उन्हें चुरा करके ले गए। जो धरती की बेटी को नहीं बचा सका वह सारे धरती का भार दूर कैसे कर सकता है। मैं धरती की बेटी को नहीं बचा सका, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, राक्षस उसे चुरा करके ले गए हैं, तो मैं सारी धरती का भार दूर कैसे कर सकता हूँ। जैसे भगवान श्री राम जी ने इतना कहा और राम जी अपना जो परिचय देते हैं, कितना सुंदर परिचय भगवान ने दिया कि कोसली से दशरथ की जाए, कोसली से दशरथ की जाए, हम भी तो बचने मान बने आए, हम भी तो बचने मान बने आए, हम भी तो बचने मान बने आए, हम भी तो बचने मान बने आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम 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 लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ यहाँ हरि निस चरण में, यहाँ हरि निस चरण में देहि, यहाँ हरि निस चरण में देहि, यहाँ हरि निस चरण में देहि, बिप्रे बिरही हमें खोजत तेहि, बिप्रे बिरही हमें खोजत तेहि, बिप्रे बिरही हमें खोजत तेहि, बिप्रे बिरही हमें खोजत तेहि। भगवान श्री राम जी अपना परिचय कितना बढ़िया देते हैं, हम आपको भी सीखना चाहिए। राम जी ने क्या परिचय दिया, कोस लेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। राम जी ने अपना जो चरित्र सुनाया, कैसे सुनाया है, कैसे राम जी सुना रहे हैं, आपन चरित्र कहा हम गाई, गा करके राम जी सुना रहे हैं। और राम जी के पूरे चरित्र में आप देखिए, राम जी क्या कह रहे हैं, हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हम जब थोड़ा बड़े हुए, हमारा विवाह इत्यादि हुआ, इसके बाद हम जब जनकपुर से लौट करके आए, कुछ दिन तक रहे अयोध्या के महलों में, और फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं, हमारे पिताजी हमें राज्य देने का एक दिन मन में विचार करते हैं कि कल राम को राजा बना देंगे, युवराज पद दे दे, इसके बाद युवराज के बाद राजा बना देंगे। और अब जब राज देने की बात आई तो क्या किया पिताजी ने, वन दे दिया, 14 वर्ष वन में रहो, और वन में भी कैसे, तपस्वी वेश में, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी वेश में 14 वर्ष तक जंगल में रहो। हमने अपने सारे राजसी वस्त्रों को उतार दिया, आभूषण उतार दिए, सब कुछ उतार करके घर में रख दिए, महलों को छोड़ करके जंगल में आ गए। अब बताइए, ये राम जी के सुख का समय था कि दुख का समय था। पिताजी ने राजगद्दी देने के लिए कहा, महल देने के लिए कहा, और फिर थोड़ी देर के बाद जंगल भेज दी। है कि नहीं, कष्ट का समय था ना, दुख का समय था ना। लेकिन इस दुख को राम जी ने कैसे कहा है, गा करके। जंगल में आ गए, और जंगल में आने के बाद कुटी बनाकर रहने लगे। कुछ दिन के बाद पिताजी का मरण हो गया, भरत जी के माध्यम से समाचार मिला। अब पिताजी का मरण कितना दुख, उसे राम जी गाकर कहते हैं। आगे चल करके फिर हम और थोड़ी यात्रा करते हैं तो जंगल में सीता का हरण हो गया। अब आप जरा विचार करिए, राम जी की जो एक कथा है इसमें दुख ही दुख है। परिवार छूट गया, राज्य छूट गया, जन्मभूमि छूट गई, माता पिता छूट गए, पिता का मरण हो गया, जंगल में आए तो सीता का हरण हो गया। बन बन भटक रहे हैं, न कहीं रहने की व्यवस्था है, न कहीं भोजन की व्यवस्था है, न कहीं सोने की व्यवस्था है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वृक्षों के नीचे ही गुजारा करना है। कितना दुख है, लेकिन फिर भी राम जी कैसे सुनाते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, गा करके कहते हैं। और केवल राम जी की बात नहीं, आप अगर भागवत में देखें तो भगवान कृष्ण के बारे में तो वहां भी कम दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कोई जेल में जाना पसंद करता है? नहीं करता। लेकिन कन्हैया का जन्म ही जेल में हुआ। किसी तरह से वहां से पिताश्री लाए गोकुल में, छुपते छुपाते नंद यशोदा के यहाँ रख दिया। नंद यशोदा के यहाँ कन्हैया रहने लगे। माता पिता छूट गए, जन्मभूमि छूट गई, दूसरे के घर में रहे, पालन पोषण होने लगा। कंस वहां भी कई राक्षसों को भेजता है मारने के लिए, तो फिर नंद यशोदा को गोकुल छोड़ना पड़ा। गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगे। वहां भी नाना प्रकार के राक्षस कंस के भेजे हुए आते हैं, कन्हैया को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की पावन भूमि में बैठ करके कदम के वृक्ष में चैन की बंसी बजाते हैं। जो जो दुख के समय भी चैन की बंसी बजाए, जो अपना दुख गाकर के सुनाए, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य तो थोड़ा सा उसके जीवन में दुख आ जाता है तो उसे इतना लंबा चौड़ा रो रो करके बताने लगता है, वो मनुष्य है। लेकिन जो अपना दुख है गा करके बताए, वही परमात्मा है। भगवान श्री राम कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब आप अपनी कथा बताइए। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, एक मनुष्य नहीं है जो अपना दुख गाकर के कह रहा है, वह तो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है। भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु ने कहा, हनुमान आप उठो और ध्यान रखिए। हनुमान प्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं, प्रभु को पहचान गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पहचाने पर वे गहे चरना, तो सुख उमा जाए नहीं मरना। प्रभु पहचाने कर चरना, सो सुख उमा जाए नहीं मरना। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी को पहचान गए। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, और उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु पहचान प्रयोग है चरना, सो सुख उमा जाए नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जब श्री हनुमान राम जी के चरणों में गिर गए, अपना माथा प्रभु के चरणों में जब हनुमान ने रख दिया, उस समय जो सुख मिल रहा था उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। एक क्षण के लिए भगवान शंकर जो है मौन हो जाते हैं। कितना आनंद मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, सच्चा सुख अगर कहीं है तो है भगवान की शरण में है, वहां कोई बाधा नहीं है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एको बाधा। जैसे अगाध जल में जितनी नदी गहरी होती है, जितना अथाह जल होता है, उतना ही मछली को सुख मिलता है। थोड़े जल में मछली सुखी नहीं होती है, जब बहुत जल होता है तब मछली सुखी होती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। हरि की शरण में कोई बाधा नहीं है। सच्चा सुख परमात्मा की शरण में है। लेकिन हम जीव की विडंबना ये है कि हम आप इस संसार में सुख खोज रहे हैं। किसी को लगता है कि हमारा घर बन जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, है ना? कहां तक रहें झोपड़ी में, कहां तक रहें कच्चे घर में। पक्का घर बन जाएगा, बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। पक्का घर बन गया, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हो गई, पंखे इत्यादि, कूड़े रेसी सब लग गया। कुछ दिन तक उसमें रहे, लेकिन कुछ दिन बाद वह घर अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि अब यहाँ से कहीं चले जाए। फिर लगता नहीं, एक हमारे घर में बढ़िया फार्चूनर आ जाए, एक बढ़िया गाड़ी आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, आनंद ही आनंद। जहाँ कहीं जाना होगा, बढ़िया गाड़ी में बैठे चल दी, गाड़ी आ गई, 2-4-10 बार उसमें बैठ लिए, घूम लिए, इसके बाद मन उससे भर जाता है, भर जाता है। लगता है ये सोने चांदी के आभूषण पहन लें, इसमें सुख मिलेगा। पहनने के बाद कुछ दिन बाद उसमें भी मन भर जाता है। बेटा हो जाए, हो गया, उससे ही मन भर गया। अब बहू आ जाए, बहू भी आ गई, 2-4 साल बहू की बनाई हुई गरम गरम रोटी मिलेगी खाने को। सुबह शाम बहू ने सेवा कर दिया, उस दिन के बाद वहां भी खटपट होने लगी है कि नहीं? अच्छा बताइए कि ऐसी कोई चीज है दुनिया में जिससे हमारा मन ना भरता हो? घर में रहते रहते उब जाते हैं, गाड़ी में चलते चलते उब जाते हैं, बहुत सारा सोना चांदी पहन ले, फिर मन ही नहीं पड़ता। रख दो भाई, क्या पहनना है इसको, पहन तुम। बेटा बहू के साथ रहते रहते बस मन हो गया, भर गया। क्यों? इसलिए कि इसमें सच्चा सुख नहीं है। इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, ये जो भौतिक साधन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सब में एक क्षण मात्र का सुख है। जब तक नहीं मिलता तब तक करोड़ों की चीज लगती है, और जब मिल जाता है तो एक कौड़ी की चीज दिखाई लगती है। ये तो छोटा है। हम जो है किराना की दुकान में जाकर के सोने का हार मांगेंगे तो नहीं मिल सकता है। सोने का हार तो सोनी जी के यहां ही मिलेगा, किराना की दुकान में नहीं मिलेगा। तो हम इस संसार में सुख खोज रहे हैं। इस संसार में सुख नहीं है। सुख तो केवल परमात्मा की शरण में है। सुख तो केवल भगवान के नाम में है, केवल भगवान के भजन भक्ति में है। लेकिन हमें कब ज्ञान होता है? जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। बेटा बहू नाती पोते जब सुनते नहीं है, जब शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब लगता है कि हे परमात्मा, अब कोई नहीं है, तू ही है सच्चा साथी, तब भगवान दिखाई पड़ता है। भगवान को भजते हुए हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, प्रभु कृपा करो। ध्यान रखिए, शरीर में दर्द होता है, कितना भी परिवार के सदस्य बैठे रहें, कुछ भी करें, वह पीड़ा स्वयं को सहनी पड़ती है, और अगर उस समय परमात्मा की कृपा हो जाए तो पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हमारे बेटा बहू भले बैठे रहें, लेकिन दर्द ये नहीं बांट सकते, दर्द केवल परमात्मा ही बांटता है। आप कहेंगे प्रमाण, तो आगे चल करके इसमें मिलेगा। किष्किंधा कांड में जब बाली ने सुग्रीव को खूब पिटाई की, अच्छा जब मारा मुक्का मुक्का, और सुग्रीव के पूरे शरीर में जो है इतना दर्द था कि कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां दर्द ना हो। पिट करके आया सुग्रीव, बहुत दर्द था। दूसरे दिन भगवान ने कहा जाओ फिर से लड़ो बाली से। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, कल का दर्द तो समाप्त हुआ नहीं, आज फिर भेज रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? आपने कहा था कि मैं मारूंगा बाली को, आपने मारा नहीं, बाली मुझे मारता रहा, मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द है, एक एक हड्डी मेरी टूट गई है। भगवान ने कहा जरा इधर आओ, दिखाओ कहाँ दर्द है। अब मैं दर्द दिखाऊं कैसे, दर्द दिखाने की चीज थोड़ा ना प्रभु, पूरे शरीर में दर्द है। भगवान मुस्कुराते हुए सुग्रीव के शरीर में ऐसे अपना कर कमल फेरते हैं तो क्या होता है, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई सब पीरा। भगवान ने जैसे अपना कर कमल फेरा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, सारा दर्द समाप्त हो गया, शरीर वज्र के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है हमारे शरीर की पीड़ा का हरण अगर कोई करता है तो है केवल परमात्मा है। गोली दवाई से क्षण मात्र का आराम लगता है, जब तक दवाई का असर रहता है तब तक पीड़ा समाप्त रहती। जैसे दवाई का असर समाप्त की पीड़ा वैसे ही हो जाती है, लेकिन भगवान अगर कृपा कर दे तो हमेशा हमेशा के लिए दर्द समाप्त हो जाता है। इसलिए सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में और कहीं नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये प्रेरित कर रही हूँ कि कल से अब आप लोग घर द्वार छोड़ करके केवल भजन में ही लग जाओ। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अब घर द्वार मत देखो, अब राम राम जपो, कल से माला लेकर के बैठ जाओ, ना भोजन बनाओ, ना कोई काम करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। काम तो सब करना पड़ेगा ही, लेकिन परमात्मा से जो हमारा संबंध है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं, उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, उस परम पिता को नहीं भूलना है। काम संसार का करो लेकिन भगवान का स्मरण रहे। सच्चा सुख भगवान के चरण में है, कहीं नहीं। संत महात्मा गाया करते हैं भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े, जिस ओर चले, उस ओर किनारा मिलता है। सच्चा सुख भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान की शरण में चले। आज हनुमान जी महाराज ने जैसे भगवान के चरणों में अपना माथा रखा, आहा कितना आनंद है। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु पहचान प्रयोग है चरना, सो सुख उमा जाए नहीं परना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, पुन धीरज धरे स्तुत कीन्हे, हृदय हरस नाथ ही चीन्ह। भगवान को पहचान गए कि सच में परमात्मा है। भगवान बोले मैंने अपना चरित्र आपको सुना दिया है, अब आप भी अपना चरित्र सुनाओ। आपन चरित्र कहु तुम गाई, आप भी अपना चरित्र बताइए। तो भगवान श्री राम जी महाराज के चरणों को पकड़ करके हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है, अच्छा बताओ कि आप हो कौन? तो हनुमान जी कहते एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंद बुद्धि हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं। भगवान ने कहा इतने सारे अवगुण हैं तुम में, इतने सारे दोष हैं, तो तुम्हें मंद होने का दुख है कि अज्ञानी होने का दुख है कि कुटिल होने का दुख है? बताओ तुम्हें किसका दुख है, मैं भी दुख दूर कर देता हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे मंद होने का दुख नहीं है, मुझे कुटिल होने का दुख नहीं है, मुझे अज्ञानी होने का दुख नहीं है, तो फिर दुख किस बात का है? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। आपने जो मुझे भुला दिया है इसका मुझे बड़ा कष्ट है, आप मुझे भूल गए। अरे जीव तो संसार में आकर के परमात्मा को भूल जाता है, स्वाभाविक है, लेकिन परमात्मा ही जीव को भूल जाए तो फिर जीव कहां जाएगा, उसका कल्याण कैसे होगा? मैं तो आपको भूल गया, स्वाभाविक है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए। और श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। मोर न्याव में पूछा साईं और तुम पूछो कस नरकी नाई। आप कैसे नरकी भांति पूछ रहे हैं, आप तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं। श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम जी के दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं और काफी देर तक अपना सिर उन चरणों में रखे रहते हैं। धन्य है हनुमान, हनुमान सम नहीं बड़भागी, अन्य को राम चरणे अनुरागी। हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं है, नहीं को राम चरण अनुरागी, ना ऐसा कोई अनुरागी आपको भक्त मिलेगा। वैसे मानस में बड़भागी बहुत हैं, ध्यान रखिएगा, कई बड़भागी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़भागी हैं, अति बड़भागी हैं, अतिशय बड़भागी हैं और परम बड़भागी हैं। है तो बहुत, लेकिन हनुमान के समान कोई नहीं है। बड़भागी कौन है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हाय धन्य लक्ष्मण बड़े भागी राम चरण भागी हैं। हाय धन लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण जी बड़ भागी हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। ये सब बड़ भागी हैं। और अति बड़ भागी कौन है? हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सगुण ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं, अति बड़ भागी है। अहिल्या जी के यहाँ भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। अहिल्या जी पत्थर के रूप में पड़ी हैं, भगवान पहुंच गए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अहिल्या जी का भगवान ने उद्धार किया। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलदार भई। और इतना ही नहीं, अहिल्या जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान की कृपा से पुनः पत्थर से मनुष्य के रूप में आ गई। ये अतिशय बड़भागी हैं। जटायु जी भगवान का रूप प्राप्त करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तो जटायु जी परम बड़ भागी है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बड़ भागी है अति बड़ भागी, अति से बड़ भागी, परम बड़ भागी, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान के समान कोई बड़ भागी नहीं है। क्यों? इसलिए कि पवन तनय के चरित्र सुहाए, जावंत रघुपति ही सुनाए, असुनत कृपा निधि मन अति भाए। भगवान को हनुमान जी का चरित्र बड़ा प्रिय लगा। पुनः हनुमान हर्ष ही लाए, महावीर विनवो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जो सारे भक्तगण जो होते हैं, ये भगवान की कथा सुनते हैं, बड़े भाग्यशाली। जो भगवान की कथा सुने हुए भाग्यशाली है, लेकिन जिसकी कथा भगवान सुन लें, उसके सौभाग्य का हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। हम आप भगवान की कथा सुनते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन भगवान तो हनुमान की कथा सुनते हैं, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जय श्री राम। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से हनुमान जी महाराज आज प्रथम जो दर्शन प्रभु का कर रहे हैं, और दर्शन करके भगवान के चरणों में अपना माथा रख देते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे भुला दिया है, इसका मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। हम जीव हैं, अज्ञानी हैं, हम आपको भूल सकते हैं, लेकिन आप हमें ना भुलाएं, आप भक्तों पर कृपा करें। और कैसे जो है श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी को लेकर के सुग्रीव जी के पास में जाते हैं, और सुग्रीव जी कैसे प्रभु को प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं, इत्यादि जो कथा है। क्योंकि रात्रि के 9 बज रहे हैं और आप सब लोग जो है 4 बजे से कथा सुन रहे हैं। इसके पहले संगीत, फिर रमा किशोरी जी के माध्यम से आप लोगों ने कथा को श्रवण किया। तो समय तो बहुत हो रहा है, 9 बज रहे हैं, और इसके बाद आप लोगों को भंडारे का प्रसाद भी प्राप्त करना है। आप लोगों से निवेदन है, कल भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, कथा सुनिए। यह मौका बार बार नहीं मिलता है, यज्ञ इत्यादि बार बार नहीं होते हैं। जब भगवान बहुत बड़ी कृपा करते हैं, तब ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों के इस लखाखेरा ग्राम में इतना बढ़िया लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, हनुमंत कथा हो रही है। 4 दिन तो कम से कम हम समय निकाल लें, और यहीं दोपहर में आइए, भजन सुनिए, कथा सुनिए, और इसके बाद भजन इत्यादि के बाद भोजन भी करिए। ऐसा नहीं केवल भजन ही बस करना है, भजन के बाद भोजन भी है। इसलिए संत महात्मा कहा करते हैं, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। तो भजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की गई है, तो आप सब लोग भोजन भी, भंडारे का प्रसाद भी पाएं। मैंने आपसे कहा भी कि रात्रि का भोजन आप लोग अपने घर में मत बनाइए, आप तो बस दोपहर में भोजन करके यहाँ आ जाएं, यही बढ़िया कथा सुने, और कथा के बाद यहाँ भंडारे का प्रसाद पाएं, और अपने जीवन को धन्य बनाएं। लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, आप यज्ञ नारायण की परिक्रमा करें, 11 परिक्रमा करें, 21 करें, 51 करें, 108 करें। जितनी आप परिक्रमा श्रद्धा के साथ करेंगे, उतना ही फल आपको मिलेगा। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी, तो आपका घर जो है धन इत्यादि से भरा रहेगा, और हमारे भगवान नारायण की कृपा होगी, तो हम निरोग रहेंगे। और हम क्या चाहते हैं, तो चाहते हैं कि शरीर बढ़िया स्वस्थ रहे, और घर में बढ़िया माया बनी रहे, धन बना रहे, बस यही तो हर व्यक्ति चाहता है। और ये कृपा कब मिलेगी? जब लक्ष्मी नारायण भगवान की शरण में जाएंगे। तो आप लोग आए और कथा सुने, प्रसाद पाएं, और ध्यान रखिए कल जो है भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का प्रसंग आपको सुनाया जाएगा और कल जन्म उत्सव मनाया भी जाएगा। सब लोग पीले वस्त्र पहन करके आएंगे और जिन माताओं को नृत्य करना है, हमारे ऑर्गन पर जो बैठे हैं भैया जी, तबला पर सोनी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका संगीत, बड़ा दिव्य संगीत है। हम तो गा नहीं पाते हैं लेकिन हम सुनने में ही हम बड़े तृप्त हो जाते हैं। और ये बच्चियां दोनों बहुत बढ़िया गाती हैं। प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप लोगों के क्षेत्र की बेटी है, कितना अच्छा भागवत कर रही है, सारे विश्व में, पूरे देश में और विश्व में नाम हो रहा है आपके गांव का, आपके घर की बेटी। जब हमारे बच्चे कोई बातें करते कितना सुंदर लगता है, जो बालक का तोतरी बाता है और माता पिता कितने प्रसन्नता के साथ सुनते हैं। तो इसी तरह से आप तोतली बोली में से रमा किशोरी की कथा सुनकर उसका उत्साह बढ़ाएं और उसे आशीर्वाद दें ताकि वह देश विदेश में जाकर के आप सब लोगों का नाम रोशन कर सके, लखाकेरा ग्राम का नाम रोशन कर सके। तो आप सब लोगों की उपस्थिति ही हम सबको जो है प्रसन्न करेगी। तो आप लोग अधिक से अधिक यहाँ संख्या में आएं और भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाएगा। जन्म की कथा है, बढ़िया सज करके आए और बढ़िया भजन गाएं, नृत्य करें, यही जीवन का आनंद है। तो मैं हनुमंत कथा के माध्यम से कल आप लोगों को सुनाऊंगी कि भगवान किस तरह से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, कैसे सुग्रीव जी से भगवान श्री राम जी मिले, कैसे हनुमान जी महाराज भक्तों को लाला करके भगवान से मिलाते हैं। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा। संत महात्मा गाया करते हैं कि बजरंग बली हनुमान, हनुमान तेरा जग में डंका बाजे। बजरंगबली की शरण में जाता है तो उसकी जो पीड़ा है, संसार का जो दुख है, वह सब मिट जाता है। कहना क्या है, जो भी तेरी शरण में आए, जो भी तेरी शरण में आए, सिया राम को वो ही पाए, सिया राम को वो ही पाए। जय मानस जय मानस जय मानस करे बखान, हाँ बखान तेरा जग में डंका बजा, बजरंग बली हनुमान, हनुमान तेरा जग में डंका बजा, बजरंग बली हनुमान, हनुमान तेरा जग में डंका बाज रहा, जग में डंका बाज रहा, तेरा जग में डंका बाज रहा। क्या हम कहते हैं कि आपका हे बजरंगबली जी महाराज, आपका तीनों जुग चारों जुग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत पुजियारा आपका चारों जुग में प्रताप है। और कैसे है हमारे बजरंगबली, जग में डंका बाज रहा तेरा, जग में डंका बाज रहा, बजरंग बली हनुमान, हनुमान तेरा जग में डंका बाज रहा, बजरंग बली हनुमान, हनुमान तेरा जग में डंका बाज रहा, बजरंग बली हनुमान, हनुमान तेरा जग में डंका बाज रहा, तेरा जग में डंका बाज रहा, तेरा जग में डंका बाज रहा, तेरा जग में डंका बाज रहा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, तो आइए हम सभी एक राम भजन के थोड़ा सा डुबकी लगाएंगे राम भजन में, और अपने मन और कर्म और वाणी से उस परमात्मा को याद करें। जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं भक्तगण, वो जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है इस माध्यम से वो याद करें परमात्मा को। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, और नहीं तो अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिभ्या पापणी, राम के नाम बिना जल जाए जिभ्या पापणी, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिभ्या पापणी, राम के नाम बिना जल जाए जिभ्या पापणी, राम के नाम बिना। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए जय हो। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, बिन संसार बिना रे मूरख, घर संसार बिना। क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संसार बिना रे मूरख, घर संसार बिना। मोर कहे काहे को नाचना, मोर कहे काहे को नाचना, सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती का दर्शन करेंगे और इसके तत्पश्चात प्रसाद लेकर के अपने अपने ग्रह की ओर प्रस्थान करेंगे।